सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास सिक्स साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा छह विषय विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और प्रीवियस क्लासेज में हमने जो जो कुछ सीखा है स्टूडेंट्स, उसको ही करेंगे कंटिन्यू। और कुछ नई सीटें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर रखिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम इस चैप्टर में काफी कुछ चीजें कवर अप कर चुके हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीख चुके हैं। आप में से काफी सारे बच्चों ने हमें काफी सारी चीजें बताई हैं यहाँ पर, और चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करी है। हमने काफी सारे क्वेश्चन का आंसर निकाला और उसके बाद हमें ये पता लगा कि जल जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटक है। हमारी जिंदगी को चलाए रखने के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर जल नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? सो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी। हमने काफी क्वेश्चंस के ऊपर बात करी, वाटर साइकिल पढ़ा है ना, इन सारी चीजों को हमने देखा था किस तरीके से वाटर की एक साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है? और ये सारी चीजें मतलब आपको याद होगा ना, हमने कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर बात करी है ना, किस किस तरीके से हमने समझा इन सारी चीजों को, ठीक है? तो आज हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हमने करी कि पानी कैसे गायब हो जाता है, ठीक है, और बादल कैसे बन जाते हैं। अगर हम कहीं पर किसी जगह पर पानी गिरा दो तो कुछ टाइम बाद देखना, कुछ घंटे बाद पानी वहां से गायब हो जाएगा, है ना? बादल कैसे बनते हैं, वाटर साइकिल क्या होता है, ये बारिश किस तरीके से होती है ना, बादल कैसे बनते हैं, बारिश किस तरीके से होती है, और बारिश का जो पानी है वो कहाँ जाता है, ठीक है? इसके बाद हमने बात करी थी ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल क्या होता है, पानी इसमें कहाँ से आता है, ठीक? और ग्राउंड वाटर का हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्यों हमारे लिए ग्राउंड वाटर ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी वाटर साइकिल के अंदर, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद हम लोग बात कर रहे थे एयर अराउंड अर्थ के, एयर अराउंड अर्थ पर, ठीक है, जिसमें हमने अपने चारों तरफ की एयर के बारे में बात करी थी। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 14 को ही, ठीक है? इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और इसमें हम और नई चीज़ें आज की क्लास में सीखने की कोशिश करते हैं। तो अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाए रखना, इधर उधर नहीं जाना। तो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14 वाटर, चैप्टर नंबर 14 वाटर यानी कि जल। तो आपकी बुक से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार कि बुक में से आपको चीज़ें किस किस तरीके से मिलने वाली हैं, ठीक है? दिस इज चैप्टर नंबर 14 वाटर। ओके, देखिए सबसे पहले हमने इमेज देखी थी। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि पानी जो है हमारे दैनिक जीवन की विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वो हमारे पानी के जो यूजेस हैं, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए होता है हमें, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो डेली लाइफ में काफ़ी सारे काम हमको करने होते हैं उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वाटर हमारे लिए एक यूज़फुल सोर्स बन जाता है, यूज़फुल रिसोर्स बन जाता है, ठीक है? मैंने आपसे एक एक्टिविटी करने को कही थी, एक आपको टेबल बनानी थी, ठीक है? और आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने किया भी, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना था, आपको एक टेबल बनानी थी जिसमें आप जो डेली एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे पानी पीना हो गया, ब्रश करना हो गया, नहाना हो गया, बर्तन धोना हो गया, ठीक है, कपड़े धोना हो गया, इसमें आपने कितना पानी यूज़ करा। सपोज एक बाल्टी पानी यूज़ करा तो 20 लीटर है ना, एक बाल्टी में अमूमन 10 लीटर 20 लीटर पानी आ जाता है, ठीक। इसके बाद आपने ब्रश करा तो सपोज़ आधा लीटर पानी आपने यूज़ करा है ना, नहाने के लिए सपोज 5 लीटर पानी आपने यूज़ करा, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए आपने सपोज 1 लीटर पानी से बर्तन धो दिए, कपड़े धोने के लिए आपको सपोज 10 लीटर पानी लगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये लिस्ट बनानी थी, ठीक है? और इसमें देखना था कि आप किस जगह पर पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन सी एक्टिविटी के लिए आप पानी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसकी आपको एक लिस्ट बनानी थी। समझ गए आप बात को, ठीक है? इसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करी थी। आई होप ये चीज़ें आपको याद होंगी। हमने बात करी थी कि जो हमारे घरों में पानी आता है ये कहाँ से आता है, तो हमने कहा था ये नदियों से आता है,
नदी के द्वारा एक तंत्र लगा होता है जो कि इस पानी को जो है हमारे घर के टंकियों में लाता है, और टंकी से ये पानी जो है हमारे घरों के अंदर नलों में आता है। ठीक है, तो ये ट्रीटेड वाटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रीटेड वाटर। और वाटर को ट्रीट करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम होता है ट्रीट, मतलब उसको उसके साथ कुछ एक्टिविटी करना है ना, उसके साथ कुछ एक्शन करना। तो हम वाटर को ट्रीट करते हैं, वाटर को ट्रीट इसलिए किया जाता है ताकि वो पीने योग्य हो जाए, है ना। अगर हम सीधे नदी वाला पानी पी लेंगे तो उसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होंगी, कीटाणु भी हो सकते हैं, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम उसको प्योरीफाई करके उसमें जो कंकड़ पत्थर होंगे, जो रेत के कण होंगे, उनको हटा करके उसको शुद्ध पीने योग्य बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं वाटर का ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिसको, जैसे मतलब आया से समझ लो कि फैक्ट्री हो गई, वहाँ पर जो है इसको ट्रीटमेंट किया जाता है वाटर का, तो उसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो नदी से पानी उन ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है और वहाँ से जो है ये हमारे घरों के टंकियों में आता है और वहाँ से हम इसे पीने योग्य जो है यूज़ कर लेते हैं। ये बात हमारी समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करें, सॉरी हमने बात करी थी हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, ये क्या है, ये नीला ग्रह इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। ठीक, इसमें क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसका 1/3 जो है या 2/3 जो है ये पानी से भरा, वाटर के जो सरफेस है वो उसका एक काफी बड़ा भाग जो है ये पानी से, इसके चारों तरफ क्या है, पानी पानी है। इतनी चीजें नोट डाउन कीजिए। ओके, तो हमने बात करी थी अर्थ के बारे में, अर्थ का कितना कितना पार्ट जो है पानी से भरा हुआ है, 2/3 अर्थ का जो है वो वाटर से भरा हुआ है। और साथ ही साथ ये पानी कहाँ कहाँ रहता है, ये पानी रहता है चाहे हमारी झील हो गई, लेक्स हो गई, चाहे हमारे तालाब हो गए, पॉन्ड्स हो गए, है ना, चाहे रिवर्स हो गई, नदियाँ हो गई। ठीक है, इन सब जगह पर जो है ये पानी एग्जिस्ट करता है। और सबसे ज़्यादा जो पानी है वो है हमारे ओशन में, यानी जो महासागर होते हैं, और सीज में, जो कि हमारे समुद्र होते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरे वाटर वाली बॉडीज हैं इनमें काफ़ी सारा पानी जो है पूरे अर्थ के सरफेस पर फैला हुआ है, जो कि 2/3 है। 2/3 मतलब कि ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है पानी का। ठीक, इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद अगर आपको याद दिलाएं तो हमने देखा था वाटर साइकिल को। ठीक है, हमने देखा था कि वाटर साइकिल को हमने समझना स्टार्ट करा था। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जैसे हम गीले कपड़े जो है पानी में भिगो करके उसको धोते हैं और फिर उनको धूप में सुखाने डालते हैं, तो क्या होता है भाई, इनका पानी जो है ये उड़ जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, पानी गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के गायब होने का जादुई तरीका, तो पानी आपने कपड़े धोए और उसको धूप में सुखाने डाल दिया और वो अपने आप पानी उससे गायब हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है आपने देखी किस तरीके से होती, धूप जो है, सनलाइट जो है वो क्या करती है, यहाँ पर वेपोराइज इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप, इवेपोरेशन की प्रोसेस के कारण जो पानी है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे आसपास की एयर में चला जाता है। ठीक है, तो क्या बात, इसमें हम ये बात समझ सकते हैं कि जो धूप की वजह से ही, धूप में ही इवेपोरेशन होगा, अगर हम ऐसा कहें तो क्या सही होगा, नहीं ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि सपोज अगर बात करें, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं होगी, क्योंकि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है, जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया है, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में तो होती है, लेकिन जहाँ पर धूप नहीं है वहाँ पर भी होती है। देखो यहाँ पर, देखो दोनों जगह पर देखो, आपको एक जगह तो धूप डायरेक्ट पड़ रही है और एक जगह धूप इनडायरेक्ट पड़ रही है, छत के नीचे हमने एक पानी में बर्तन रखा है,
तो क्या ये इवेपोरेट नहीं होगा? ये भी इवेपोरेट होगा और ये भी इवेपोरेट होगा, दोनों ही पानी जो है वाष्पीकृत होंगे, लेकिन यहाँ पर वाष्पन की दर जो होगी वो ज्यादा होगी, मतलब ये वाला पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा, ये वाला पानी ज्यादा जल्दी उड़ जाएगा और ये वाला पानी धीरे धीरे उड़ेगा। ठीक है, अगर दो जगह पर पानी गिरा हो, खुले में पानी गिरा हो और एक कमरे के अंदर पानी गिरा हो, तो जो बाहर खुले में पानी गिरा है धूप की रोशनी की वजह से वो जल्दी सूख जाता है और कमरे का जो पानी है उसको सूखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये बात हम सभी देखते होंगे अपने घर में, है ना, घर में जब साफ सफाई होती है तो हम लोग पानी से कमरे को धोते हैं, फर्श को धोते हैं, तो वहां पर हमने ये प्रोसेस जो है देखी होगी। ठीक है, तो इसमें हमने जो जो चीजें समझी थी उनको भी देखते हैं। हमने क्या क्या लिखा था इसमें, हमने इसमें लिखा था कि पानी आपको कहाँ से मिलता है। तो हमने ये बात करी थी कि हमको पानी जो है रिवर से, सी से, टैप वाटर से, वेल से, ट्यूबवेल से, हैंडपम्प और तालाब आदि से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पूछा था आपसे कि आप पानी का क्या करते हैं, तो आपने कहा था हम उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए ठीक है, इसके अलावा कपड़े धोने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पानी जो है कहाँ से आता है, ये पानी जो है समुद्र और महासागरों से आता है, फिर पूरी पृथ्वी का जो सतह है, जो सरफेस है, उसका 2/3 जो है वो पानी से भरा हुआ है। ठीक, लेकिन ये जो पानी है, इतना पानी होने के बावजूद भी हम इसको पी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी सारे लवण जो है, काफ़ी सारे केमिकल जो हैं डिजॉल्व हैं। ठीक है, इसीलिए ये पानी खारा होता है, हम इसको पी नहीं सकते। तो जो हमारे पीने के लिए जो यूजेबल पानी होता है वो लेक्स का होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है मेनली, हम उसको पीते हैं। पानी हमने अभी आपको समझाया कि इवेपोरेशन की प्रक्रिया के कारण जो है पानी जो है गायब हो जाता है। ठीक है, और इवेपोरेशन वाटर जो है, पानी का जो वाष्पीकरण इवेपोरेशन की प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस, एक कैसी प्रक्रिया है भाई, धीमी प्रक्रिया है, इस बात का ध्यान रखें पूरा। और कैसी प्रक्रिया है भाई, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, पानी का इवेपोरेशन होना स्लो प्रोसेस होती है और सूरज की उपस्थिति में ये फास्टर होती है, मतलब अगर सनलाइट होगी तो तेजी तेजी जल्दी से, देखो अगर धूप लगी होगी तो आपके कपड़े क्या होंगे, जल्दी जल्दी से सूख जाएंगे, और अगर धूप नहीं होगी तो बहुत आराम से सूखेंगे, है ना। इसके अलावा हमने बात करी थी कि बादल कैसे बनते हैं, किस तरीके से बादलों का बनना होता है। ठीक है, और बादल बन करके फिर वो बारिश किस तरीके से होती है। ठीक है, अगर आपसे नोट डाउन करना चाहिए तो जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम आगे की बातों को समझते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तो हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर को जाएं तो जो हमारे पृथ्वी के आसपास जो वाष्प है, पानी की जो भाप है, वाटर वेपर है, वो क्या होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है, इट गेट्स कूलर। ठीक है, तो जो पानी, जैसे जैसे आप अपनी पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊपर जाएंगे तो हमारे आजू बाजू जो वायु है, सॉरी, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो हवा है उसके साथ ही क्या है, पानी की वाष्प की फॉर्म भी है, मतलब वाटर वेपर भी प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये वाटर वेपर क्या हो जाती है, ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, किसी एक सफिशियंट हाइट पर हमको क्या दिखता है कि ये जो वाटर वेपर है, जब ये ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो जब वेपर ठंडी हो जाती है तो उसका क्या, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होकर के क्या बन जाता है, वापस से पानी बन जाता है, पानी की बूंदें बन जाती है। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है, इसको समझने के लिए आपके घर में केटली अगर होगी या फिर कोई खाने बनाने का बर्तन होगा, उसमें आप पानी डाल करके, ठीक है, जब उसे गर्म करेंगे तो आप देखना जो उसके ऊपर ढक्कन जो रखा हुआ है उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनती है, उस पर क्या बनती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें बनती है जब वो पानी गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, ये कंडेंसेशन है, क्योंकि जब पानी को गर्म कर रहे हैं तो वाटर वेपर बन रही है और वो इकट्ठा होकर के क्या हो जाती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाते हैं। ठीक है, इन ड्रॉपलेट्स को जो है आप देखते हैं हवा में तैरते हुए, हवा में क्या है, तैरते हुए, इसको क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। ठीक है, तो बादल क्या है, जो हवा में तैरते हुए पानी की बूंदें हैं उनको हम देखते हैं, वो हमारे क्या है, बादल है। ये जो है, ये छोटी छोटी बूंदें पानी की मिल करके एक बड़ी पानी की बूंद बनाते हैं, और जैसे ये थोड़ा बड़ी हो जाती है, भारी हो जाती है, तो ये ऊपर से नीचे गिरने लगती है। ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, बारिश के नाम से जानते हैं। आया समझ में? तो हमने बारिश का बनना, क्लाउड का बनना, ये सारी चीज़ें देखी और ये इसको सीखा कि किस तरीके से बारिश होती है, किस तरीके से बादल बनते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा
कि जो पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है ठीक है, और वो बाद में क्या हो जाती है, पिघल करके पानी बन जाती है। ये पानी जो है फिर बहता हुआ कहाँ से जाता है, पहाड़ों से बहता हुआ छोटी छोटी नदियों छोटे छोटे स्ट्रीम्स की फॉर्म में ये वापस जा करके कहाँ मिल जाता है, नदियों और स्ट्रीम्स से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ पानी ऐसा होता है जो कि क्या होता है, जमीन में रिस जाता है, मिट्टी के नीचे चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर ठीक है। तो इस पानी को कौन निकालते हैं, हैंडपंप हो गया, ट्यूबवेल हो गया ठीक है, झील हो गई, इन सब जगह जो है ये पानी चला जाता है ठीक। इसके बाद हम देख रहे हैं आज की डेट में कि हमने क्या करा है, जमीन में सब जगह क्या कर दिए, कंक्रीट के घर बना दिए, सीमेंट के घर बना दिए, तो पानी को जमीन के अंदर जाने के लिए अब जगह नहीं मिल पा रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो हमारा ग्राउंड वाटर का जो स्टोरेज है, ग्राउंड वाटर का जो हमारा वहां पर जितना भी स्टॉक है वो हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर ग्राउंड वाटर कम होगा बच्चों तो उससे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे आसपास कैसा एरिया ज़्यादा हो, मिट्टी वाला एरिया ज़्यादा हो। कैसा एरिया ज़्यादा हो, मिट्टी वाला एरिया ज्यादा हो। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन इन टू द एयर एज वेपर, एयर एज वेपर रिटर्न एज रेन एंड फाइनली गोइंग बैक टू ओशन इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। तो वाटर को हमने देखा, ये वाटर जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ, पानी कहाँ था, पानी था समुद्र में, सूरज की किरणों ने इसको गर्म करा, ये वेपर बन करके कहाँ गया, आसमान में गया ठीक है, और वहां से फिर ये बारिश होकर के जमीन पर गिरा, और फिर ये नदियों और छोटी छोटी स्ट्रीम से होकर के वापस से समुद्र में चला गया। ये पूरा हो गया एक वाटर साइकिल, समझ गए हैं बात को। इसके बाद अगर बात करें तो इतनी चीजें हमने इसमें नोट डाउन करी। अच्छा चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को समझते हैं। ग्राउंड वाटर को नोट डाउन कीजिए। चलिए आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा ठीक। अब हम कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं ठीक है। हमने ये भी देखा था कि जो लॉस ऑफ वाटर है, जो लॉस ऑफ वाटर है यानी कि जल का नुकसान ठीक है, वो कैसे हो रहा है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ वाटर के बारे में है ना। तो हम देखते हैं ये लॉस ऑफ वाटर, एक तो हम करते हैं लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर कैसे कैसे होता है, दो तरीके से, एक तो बाय ह्यूमन, हम लोग पानी की बहुत बर्बादी करते हैं मानो या ना मानो ठीक है। तो वो तो हमारा, मैंने आपको टेबल बताई थी स्टार्टिंग में, वो आप टेबल मेंटेन करके आप पता लगा सकते हैं कि आप कितना पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं है ना, तो वो आपका पानी का लॉस। लेकिन दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से जो पानी का लॉस होता है ठीक है, उसको हम एक प्रोसेस नाम देते हैं ठीक है, और वो है ट्रांसपिरेशन, वो है ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको इसके बारे में समझाया भी था, ट्रांसपिरेशन क्या प्रक्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि एक पेड़ है, जिसमें क्या है, एक पेड़ है ठीक है, और इस पेड़ की लीव्स से क्या होता है, आप ये जानते हैं कि ये पेड़ जो है पानी कैसे लेता है, अपनी रूट्स के माध्यम से, किससे, रूट्स से, जड़ों से ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना। अब जड़ों से ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये पानी को कहाँ भेजता है, ऊपर की तरफ भेजता है ना। जो वाटर ये एब्जॉर्ब करता है वो ये कहाँ भेजता है बच्चों, वो ये भेजता है ऊपर की डायरेक्शन में ठीक है, और इसमें पानी ऊपर चढ़ता है। अब प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे लीव्स हो गई, पत्तियां हो गई है ना, उसका तना हो गया, उसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको पानी पहुंचा दिया जाता है ठीक है। अब पानी पहुंचाने के बाद जो पानी बच जाता है ना, वो क्या होता है, लीव्स के ऊपर से बाहर निकल जाता है, लीव्स के जो छोटे छोटे छेद होते हैं वहां से बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन की, ये प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपिरेशन की। तो पानी गया एक तरफ से और वो यहां से पानी जाता है सब जगह से ठीक है, और फिर वो जड़ से पानी गया और वो ऊपर प्लांट्स में चढ़ता है ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है प्लांट से बाहर। ये पानी, ये जो वाटर वेपर यहाँ से निकली है, ये भी क्लाउड्स को फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर आप जानते हैं कितने सारे पेड़ हैं, अर्थ के ऊपर आप जानते हैं कितने सारे पेड़ हैं है ना ठीक। तो इस वजह से जो है ये प्रोसेस हैपन होता है। तो ट्रांसपिरेशन का भी जिक्र करेंगे। अब हमारे जो जो वाटर साइकिल है
उसको आप अच्छे तरीके से समझिए, आप उसको कंप्लीट करके समझिए। बस दो मिनट में आप समझ जाएंगे पूरी वाटर साइकिल को, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। होता क्या डियर स्टूडेंट्स, सन है, एक क्या हमारे पास सन है, ठीक है। ये सन क्या करता है, ये सन एनर्जी रेडिएट करता है किसको, यहां हमारी जमीन को। अब जमीन पर क्या है, जमीन पर है बहुत सारा पानी, जमीन पर है बहुत सारा पानी, ठीक। ये पानी में जो है, इस पानी के अलावा यहां जमीन पर पेड़ भी है ना, इस पानी के अलावा जमीन पर पेड़ भी है, ठीक। अब क्या प्रोसेस होती है, ये हमारा वाटर है और ये हमारा ट्री है, ठीक है। सन से सनलाइट जो है वो सीधे सीधे पृथ्वी पर, ठीक है। यहां से पानी जो है गर्म होता है, इस वजह से पानी जो है गर्म होता है और गर्म होकर के वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर को उठता है, ठीक है। वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर उठता है तो ऊपर जाकर के वो पानी जो है छोटी छोटी बूंदे बन जाता है, छोटी छोटी बूंदे इकट्ठा होकर के हमको किसकी फॉर्म में दिखती है, ऊपर ऊपर हमको दिखती है बादल के रूप में। किसके रूप में दिखती है भाई, बादल के रूप में। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, बादल के रूप में हमको दिखती है। इतना ही नहीं, ये जो ट्रीज से निकलने वाली वाटर वेपर, मैंने आपको बताया था ना पेड़ों से भी क्या होती है, वाटर वेपर निकलती है, ये भी क्या करती है, ये भी ऊपर जाकर के वाटर वेपर को कलेक्ट कराती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट कराती है और ये भी बादल बनाती है, ठीक है। तो यहां से बादल बन रहे हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या बताया था आपको, ये प्रोसेस है इवेपोरेशन की, ये प्रोसेस है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की। जब धरती का पानी गर्म होकर के ऊपर बादल बनेंगे, ये इवेपोरेशन की प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन की, जब पेड़ों से जो अतिरिक्त पानी होगा वो वाटर वेपर बनकर के ऊपर बादल बनेंगे, वो होगी ट्रांसपीरेशन की, ठीक है। बात को समझे, ट्रांसपीरेशन अलग चीज हो गई और इवेपोरेशन जो है अलग चीज हो गई, ठीक है। ट्रांसपीरेशन अलग चीज है, इवेपोरेशन अलग चीज। इसके बाद ये बादल जो है वापस से पानी भर करके जमीन पर आते हैं, ये क्या हो गई, रेन हो गई, ये क्या हो गई, रेन हो गई। लेकिन क्या होता है, कहीं पर हमारा क्या होगा, ये भी होगा, कहीं पर हमारा सरफेस भी होगा। सरफेस क्या होगा, सरफेस बताइए बच्चों, सरफेस होगा हमारा जमीन। और जब ये पानी की बूंदें जो है इस जमीन पर गिरेंगी तो यहां से क्या बनेगा, ग्राउंड वाटर। यहां से क्या बनेगा भाई, ग्राउंड वाटर। ये पानी जो है रिस रिस करके कहां जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा और ग्राउंड वाटर बनेगा, और बाकी पानी जो होगा यहां से फ्लोट करता हुआ, बाकी पानी जो होगा यहां से फ्लोट करता हुआ वापस कहां मिल जाएगा भाई, नदियों में मिल जाएगा, ठीक है, और नदियों में फिर से पानी आ जाएगा। तो ये है हमारा पूरा वाटर साइकिल का प्रोसेस। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा। इसको घर से एक बार जरूर रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।